न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कराने का फैसला किया। हालांकि उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति बी आर गंगवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी 2020 तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निवेदन पर गौर किया कि संशोधित नागरिकता कानून के बारे में नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से कहा कि जनता की ऑडियो विजुअल माध्यम से कानून के बारे में जागरूक करने के बारे में विचार करें। नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली के जामिया सराय जुलैना इलाके में प्रदर्शनकारियों ने दो बसों सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की। इस घटना में 12 पुलिसकर्मियों सहित कुल 22 लोग जख्मी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान हिंसा की कोई खबर नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जिले के संकरैल इलाके में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मंगलवार रात पुलिसकर्मियों पर देसी बम फेंका, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और दो अन्य कर्मी घायल हो गए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आज हावड़ा मैदान से एस्पाइलाइन इलाके में डोरिया कांग्रेसी तक मार्च निकालेंगे। उन्होंने सोमवार और मंगलवार को भी इस कानून के विरोध में मार्च किया था। शिलांग में बुधवार को कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई थी, जबकि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक अब भी लागू है। पूर्वी खासी हिल्स के जिलाधिकारी एनडब्ल्यू नोंगबरी की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक लुमदी एरएनजी पुलिस थाना क्षेत्र और सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सुबह 6 बजे से ढील दी गई है। इन इलाकों में अगले आदेश तक रात 8 बजे से फिर से एक कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जहां नागरिकता कानून संशोधन बिल को लेकर देश में चारों ओर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से आए मुसलमानों को अपने देश में जगह नहीं देगा। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनिया को अपनी तरफ से कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार उन्होंने भारत में लागू किए गए नागरिकता कानून को लेकर कहा कि इस कानून के कारण लाखों मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ेगा और यह इस प्रकार की शरणार्थी समस्या होगी जिसके आगे दुनिया की सारी समस्याएं छोटी लगेंगी। स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित ग्लोब फोरम्स ऑफ रिफ्यूजी में बोलते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत में एक नागरिकता कानून को लागू किया गया है, जिसकी वजह से भारत के लाखों मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे एक ऐसा शरणार्थी संकट पैदा होगा जिसके आगे दुनिया के अन्य संकट छोटे लगेंगे। उन्होंने कहा कि शरणार्थी संकट की वजह से दक्षिण एशिया के दो परमाणु संपन्न देशों के बीच विवाद भी हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर दूसरे देशों से आग्रह करते हुए इमरान ने कहा कि पाकिस्तान विवादित कश्मीर में भारत द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से मद्देनजर से आने वाले अधिक शरणार्थियों को स्थान नहीं देगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एक और विधायी कदम संशोधित नागरिकता अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत 2015 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध और सिखों से अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान दी जाएगी। लेकिन इस बिल में इन देशों से मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि यह मुस्लिम बहुल देश है और इन देशों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं हो सकती है। Our country will not be able to accommodate more refugees. So I urge, I especially came here, Mr. Secretary General and High Commissioner, I especially came here that this is the time for the world community to take notice. What is happening next door can have consequences, can have an impact on the refugee population of the world, which is unprecedented. Thank you. JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।